आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मां सुरकंडा देवी के दर्शन कीजिए, अब सिर्फ कुछ मिनटों में शुरू हो गया है सुरकंडा देवी रोपवे। जी हां, ये चल रही ट्रॉली ये बता रही है कि अब मां सुरकंडा देवी दर्शनों के लिए आपको लंबी थकान भरी चढ़ाई चढ़ने की जरूरत नहीं है, और अब इन रोपवे के सहारे आप मां सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कई सालों से चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है और मां सुरकंडा देवी के लिए बने रोपवे सुविधा अब शुरू हो गई है, और अब श्रद्धालुओं को केवल 10 मिनट का वक्त लग रहा है मां के दरबार तक पहुंचने के लिए, और इस सुविधा के शुरू होने से श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। आपको बता दें कि पहले ही दिन कई श्रद्धालुओं ने रोपवे में सफर कर मंदिर के दर्शन किए, और इस रोपवे सेवा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस रोपवे का कितना किराया है। आपको बता दें कि रोपवे से मां सुरकंडा देवी तक जाने के लिए आपको केवल 177 रुपए देने होंगे, और इसमें आना जाना होगा। आपको बता दें कि पहले सुरकंडा देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कद्दूखाल से मंदिर तक की 1.5 किलोमीटर की लंबी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती थी, और अब रोपवे के बनने से ये चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि 523 मीटर लंबे रोपवे से लोग महज 5 से 10 मिनट में मंदिर पहुंच रहे हैं। इस रोपवे को बनने में 32 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और इस रोपवे में 16 ट्रॉलियां लगाई गई हैं, और एक डब्बे में 6 लोग सफर कर सकते हैं। इस तरीके से एक समय में 96 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। साल 2015-16 में पीपीपी मोड में इस रोपवे को बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, और अब ये रोपवे बनकर तैयार है, और इस सेवा से श्रद्धालुओं को काफी राहत पहुंच रही है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से विवेक रावत की रिपोर्ट।